जानता हूँ आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आप अपने सपनों के पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। ये हसल, ये भागती हुई दुनिया आपको अलग सुख देती है, पर मैं आज चाहूंगा आपको मैं अपनी दुनिया में लेके जाऊं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। मेरी दुनिया आपकी तरह तेज नहीं है, यहाँ पर ठहराव है, यहाँ पर शांति है। हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, पर जहां तक आप देखेंगे सिर्फ हरियाली और खेत दिखाई देंगे। हमारे पास एसी की ठंडक तो नहीं है, पर कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़िएगा, उसका आनंद ही अलग है। आप जला रहे हो हमें, बहुत जला रहे हो। थिन क्रस्ट पिज्जा की जगह चूल्हे से उतरी हुई रोटी के ऊपर मक्खन रख के हम खाना पसंद करते हैं। सफेद मक्खन। एनर्जी ड्रिंक की जगह छाछ पीने में हमें ज्यादा मजा आता है। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। आज मैं अपने भारत को इंडिया से यहाँ मिलाने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ कुमार रावत है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दयानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड है। बरोसी के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, ना वो मिलावटी हैं, ना वो दिखावटी हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं दूध, घी, मक्खन, ऑयल, पिकल, फिल्टर कॉफी इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप हमारी खुद की वेबसाइट barosi.in से खरीद सकते हैं और ये प्रमुख मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। मेरा एक सपना है, मैं बरोसी को इंडिया की हर किचन का हिस्सा बनाऊं। मैं बरोसी को एक बहुत प्यारा लोकल होम ग्रोन ब्रांड बनाऊं। ये कार्य को करने के लिए मुझे आपकी गाइडेंस और 50 लाख की जरूरत है, जिसके बदले में मैं अपनी कंपनी का 2% इक्विटी आपको ऑफर करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप मेरे साथ मिलके बरोसी के भरोसे को इंडिया के हर घर तक लेके जाएं। क्या बात है, वाओ। दुर्लभ जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। तो थोड़ा बताइए आपकी कंपनी के नाम का मतलब क्या है और आप जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनीता, मेरा पूरा जो बचपन है ना वो भारत में गुजरा है और ब्रांड का जो नाम है वो वहीं से है। बचपन में जब हम अपने गांव में थे वहां पे लाइट होती नहीं थी, दूध को ठीक रखने के लिए बरोसी का यूज होता था। मैं बरोसी आपको बताता हूँ होता क्या है। उस टाइम पे फ्रिज नहीं होता था, जमीन पे एक गड्ढा खोद लिया जाता था, उसके अंदर उपले और लकड़ी जला के मिट्टी का बर्तन रख के उसमें दूध रख दिया जाता था। स्कूल हमारा 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना हम पैदल ही करते थे। उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। तो जब शाम को हम पहुंचते थे तो उस दूध में अमेजिंग एक अरोमा और इतनी मोटी मलाई, तो हमारी माता जी जो हैं उसमें से एक एक गिलास हम दोनों भाइयों को पिला देती थी। अब जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूध से स्टार्टिंग हुआ हमारा, वो बरोसी हमें याद आया तो बरोसी है। वाह, क्या बात है भाई। ये लोगो किसने डिजाइन किया और कैसे, मतलब आपने खुद ने किया? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इतनी बारीकी। अनुपम, ये बारीकी, मैं भले भारत से हूँ पर मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा। और एक छोटी सी छोटी चीज मैं परख के ही आगे जाने देता हूँ। वो तो समझ गए। इसमें जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो बी जो भारत का डॉट है और आई का जो डॉट है वो इंडिया का डॉट है। तो बरोसी ये दोनों ही दुनिया को आपस में जोड़ता है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, मुझे लग रहा था ऐसी कोई कहानी है। बहुत अच्छा। दुर्लभ, स्कूल आपने वहीं किया दयानतपुर में जी, और उसके बाद और क्या पढ़ाई करी और कुछ करते थे बरोसी से पहले? हमारे गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 10th क्लास तक का था। 12वीं करने के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना था। माताजी ने बोला अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी। अच्छे मार्क्स आ गए, साइकिल भी मिल गई, पर जिस दिन साइकिल मिली उसी दिन वो पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गई। दूसरी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे तो
स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल पैदल खेतों के बीच में से होके जाना पड़ता था। गांव में रहते हुए हमारा एक ही एक टारगेट था कि किसी भी तरह से गांव से बाहर जाना है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है, उसके बाद में वहां पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ आइशर मोटर्स लिमिटेड में, जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10 साल काम किया। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है। बारह साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस जो है वो भारत में बनाना है, क्योंकि यही तो मेरे को आता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती को मैंने पास से देखा है, दूध हमारे बैकयार्ड में गाय और भैंस के हमें मिलता ही था एकदम फ्रेश। तो ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जो बिजनेस है वो भारत में स्टार्ट किया। भारत और इंडिया दोनों को जोड़ते हुए हमने भरोसे की शुरुआत की। ये 2016 की बात? जी हाँ, 2016 की बात। अगले 2016 से 22 आपको अगले एक मिनट में खत्म करने। सही है सर। हाँ। तो 2016 से लेके और 2022 तक के बीच में हमने पिछले 4 साल में 1,28,00,000, 2,23,00,000, 4,06,00,000, 4,70,00,000 का रेवेन्यू किया है। ठीक है। ये सबकी बोलती बंद कर दी। और ये B2B बिजनेस में किया आपने? ये नहीं, ये हमने B2C में किया। अच्छा, पिछले मैंने कितना किया? 42 लाख। एक बहुत मुद्दे का सवाल है, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंशिएटर मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सभी अपनी कहानी बोल रहे हैं, कोई भारत कह रहा है, कोई गांव बोल रहा है, तो क्या है ऐसी बात? लास्ट एक साल में मुझे इसी रीजन की वजह से लग रहा है ग्रोथ भी 4,1,2,4,20 और फिर 4,70 पे ग्रोथ उतना नहीं आया है, शायद इसीलिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना आ गया इस कैटेगरी में। पिछले साल का पर्टिकुलरली, पिछले साल में क्यों काम कम रहा है, इससे पहले हमारी ब्रांडिंग अलग तरह की होती थी, उसमें कुछ गैप्स थे और वहां पे हमारे 6 महीने लगे हैं, तो जो सेल्स में हमारा टाइम लगना चाहिए था वो हमारा ब्रांडिंग में टाइम लगा। और एक बूटस्ट्रैप के पास सर बहुत रिसोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन ये जवाब नहीं होता, उसका जवाब मुझे चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? ये दोनों सवाल पे आते हैं बाद में। जी आते हैं, पहले आप प्रोडक्ट दिखा दीजिए। एक दो वहां से लेके आती हूं तब तक। के लिए भी घी एंड हनी आप टेस्ट कर सकते हैं, लड्डू जो है एकदम घर के बने हुए। क्या है, हनी घी और 2 लड्डू? ये हमारे ही भरोसे के घी के लड्डू। ये क्या है? सेसमी ऑयल। ओहो, बेसन का लड्डू, वाह मजा आ गया। ये रागी का बना है जी। यम। मैंने तो 1 चम्मच घी आपकी खाई अभी, मस्त है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल शुद्ध है। लड्डू बहुत अच्छा है, लड्डू बहुत सही है। ये प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं। भाई इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी लड्डू? 1 महीने की। एक महीना। दिखाएंगे अपना इंस्टाग्राम पेज। जी ये इंस्टाग्राम है। कितने फॉलोअर्स हैं? 9,313। ये कम है ना? बहुत कम है। कोई एंगेजमेंट तो जीरो है। आप रील्स क्यों नहीं बनाते जहाँ एक्चुअली दूध निकलता हुआ दिख रहा है, खेती हो रही है, वो सारा मतलब बनाएंगे तभी तो एंगेजमेंट आएगा। 9,000 तो बहुत खराब है। और 4 साल से कर, वो भी करेंगे सर। हमारी एक इन्वेस्टमेंट है हम्पी A2, जी season 1 में आई थी जी, वो भी यही काम कर रहे हैं जी। तो उनके और आप में आपने इवैल्यूएट किया है क्या फर्क है? हम मार्केट प्लेसेस, Amazon, बिग बास्केट, इसमें पैन इंडिया आप हमारे प्रोडक्ट कहीं भी खरीद सकते हैं, और आज सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो उसका लिस्टिंग होगा वो भरोसी का आपको मिलेगा। क्या सर्च करने में? काऊ घी, A2 काऊ घी, घी प्योर घी। Amazon पे आप बोल रहे हो भरोसी का प्रोडक्ट सबसे ऊपर आएगा? बिग बास्केट पे। अच्छा, बिग बास्केट। बिग बास्केट। और Amazon पे नहीं? पहले नंबर पे नहीं आएगा। पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे अन्वेषण आएगा। अन्वेषण भाई, अन्वेषण की स्टोरी मैं बताता हूँ। You're an investor, right? मैं इन्वेस्टर हूँ अन्वेषण में। जी। 2 साल पहले 2,00,000 रुपए महीना करता था। जी। पिछले महीने उसने 1 करोड़ किया है महीना। जी। मैंने एग्जिट ले ली लास्ट राउंड में, 10 लाख डाले थे, मैंने 1 करोड़ निकाले हैं 2 साल में। उसकी ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। जी। इन्वेस्टर की जरूरत नहीं, तो उसके इन्वेस्टर पैसे वो फिर भी रखता है, बंदे ने फोड़ा है।
अब वो पता नहीं किन किन कैटेगरीज में हो रहा है। एंड हम्पी भी अभी जब हमने इन्वेस्ट किया था तब शायद 5 लाख महीना करता था, अभी 50 लाख रुपए महीना कर रहा है, तो 6 करोड़ की सेल हम्पी की भी हुई। और जितना मुझे पता है लास्ट खाली पुणे में बिजनेस करते हैं। लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनकी अग्रेशन आपसे ज्यादा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर उनकी ग्रोथ तो ज्यादा दिखाई देती है। पैसे के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पैसे की बात ही नहीं है इसमें सर, पैसे के साथ आ जाती है। और जैसे आप हम्पी की भी बात कर रहे हैं, एक शार्क टैंक पे आने के बाद में अगर ग्रोथ आ रही है और एक शार्क टैंक में पहले की स्टोरी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा दुर्लभ, आपकी टॉप 3 SKUs क्या है? मिल्क जो है वो पूरे बिजनेस का 70% इज मिल्क, सेम कहानी। सेकंड 20% हमारा घी कंट्रीब्यूट करता है, सबकी सेम कहानी है। तीसरा हनी 4% काउंट करता है। मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी 94% जी 3 SKU से है। जी हाँ। तो आपके टोटल SKU कितने हैं? टोटल हमारे SKU 23 हैं। तो मतलब क्यों आपने इतने सारे SKU लॉन्च करके रखे हैं और अभी और ये 2 लॉन्च करने हैं आपको? प्रोडक्ट में जो वाइट स्पेस जो हमें चाहिए, जहाँ पे हम अभी तक बहुत ही मीटू कैटेगरी में हैं, लड्डू के साथ हम वो एंटर करना चाहते हैं। मुझे तो मैं बड़े ऑनेस्टली कहता हूँ, घी और शहद बहुत पसंद आया, बट लड्डू सो है। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, ऑलरेडी इतने SKU है, एक और कैटेगरी में कहाँ घुस रहे हो? धंधा ही मिल्क है। मिल्क में मार्जिन नहीं है, हमारे हेल्दी मार्जिन है सर। कितने का बेचते हैं हम दूध? हम 88 रुपीस का 1 लीटर है। 88 में आपका क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन जो है हमारे 45%। जो चलो 40 रुपीस मान लेते हैं 88 में। जी 40 रुपीस में डिलीवरी कॉस्ट लगेगी? इसके ऊपर 12 रुपए की डिलीवरी कॉस्ट लगेगी। बच गए कितने? 28 रुपए बचे। 28 रुपए बच गए जी। पूरे महीने 10 दिन बेच के भी 280 रुपए बनेंगे। और एक कस्टमर एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम $10 रहती है, 700-800 रुपए। तो एक महीना जाके दूध लेगा तब जाके कुछ बनेगा, और उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी जब आप कॉर्पोरेट खर्चे डाल देंगे उसके अंदर। जी अभी मार्जिन क्या है, पैसे कमा रहे हो या गवा रहे हो? हमेशा से हम एबिटा पॉजिटिव रहे हैं। पिछले साल तक जो है हमने 14% एबिटा अचीव करते रहे हैं। पिछले महीने कितना प्रॉफिट किया? 42 लाख सेल किया। पिछले महीने हमने 50,000 का कैश बन किया। क्यों किया है? क्योंकि अब हम ग्रोथ स्टोरी में हैं, अपने ही पैसे से जो हम दूध से पैसा कमाते हैं उसको हम पर्टिकुलरली घी की चैनल पे, उसकी ग्रोथ में, उसकी मार्केटिंग में हम उस पैसे को लगाते हैं। दुर्लभ, मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। जी तो बेसिकली पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि विलेज से आप आए हो वेस्ट UP के, और आज आप 5 करोड़ पर ईयर सेल्स कर रहे हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी। लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमारा जॉब है इस मंच पर बैठ के आपको आईना दिखाना, राइट? और हम सब एक ही चीज आपको बता रहे हैं कब से, ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएटर नहीं होगा तो इसमें एक ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर आप वाइट स्पेस के नाम पे लड्डू लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको अगर सचमुच इसमें स्केल लानी है बहुत काम की जरूरत है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। ओके चलिए दुर्लभ, मेरा भी डिसीजन बन गया है। आपकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग फैंटास्टिक है। आई विश जो आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हो वो आप अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू कर पाते, पर अभी चैलेंज ये है कि जो 70% बिजनेस जहाँ से आता है दूध, वो एक प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, वो ब्रांड बिजनेस नहीं रहा है, वो एक सप्लाई चेन बिजनेस रहा है जहाँ काफी लोग डोर टू डोर डिलीवरी में मास्टरी करके उसको क्रैक कर चुके हैं। तो अभी अपना हीरो प्रोडक्ट वो क्रैक करना बाकी है। तो एट दिस स्टेज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। देखो आई थिंक आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर हैं, काफी हसमुख हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और मुझे लगता है आप आगे भी ये बिजनेस बड़ा बना लेंगे। इस साल आपका रेवेन्यू कम रहा बिकॉज आपने 6 महीने ब्रांडिंग में लगा दिया, बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड इट। ये पैरेलल है जी, यू नो ये भाग रहा है और आपको ये सब चीजें साथ साथ ठीक करनी है। ये लेवरेज
ये नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी बिजनेस में। मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मैं हम्पी में इन्वेस्टर हूँ और ये बिल्कुल ही डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा जी, तो मिलेंगे मैदान में। तो भाई आप क्या सीख लेके जा रहे हैं? आज के जो चैलेंजेस हैं वो प्रोडक्ट में जो एक वाइड स्पेस वाला एक जो हमारा हीरो जो है जिसमें हाई ग्रॉस मार्जिन होंगे, अगर वो आगे से लीड करेगा भरोसी को तो वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ भरोसी को लेके जाए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आईना आपको मिल गया यहाँ इस मंच पे। देखिए आपकी मार्केट जिसमें आप हैं लाखों करोड़ की मार्केट है जी, है ना, भारत के किसान हो, मुझे लगता है ऐसा कोई प्रोडक्ट जरूर निकाल पाओगे जिससे आप धंधा बना पाओगे। आज इन्वेस्टेबल नहीं है मेरी तरफ से, इसलिए मैं आउट हूँ, बट गुड लक टू। आपने वो देखी है थ्री इडियट्स जी, इसमें बोलता है लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, सुना है जी? कहने का मतलब ये है कि बॉस भागो, मैं भी आउट हूँ, भागो तेज भागो, आपके कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं, मेरा फीडबैक ये रहेगा आपके लिए। आप हम पांचों को प्रूव कीजिए कि हम गलत थे, 100 करोड़ का ब्रांड बनाइए, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, डिफरेंशिएटर क्या? वन मंथ का प्रोडक्ट इज इज वाइट स्पेस, यू नो हाउ कैन अ लड्डू बी द वाइट स्पेस? ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ परफेक्शनिस्ट।